अंतिम घंटी जो है वो रोचक बने, उसमें इन लोगों का सहयोग बहुत बढ़िया से ले पा रहे हैं। जैसे पेंटिंग है या कोई क्रिएटिविटी है, कुछ बेकार की वस्तु है उससे कुछ क्रिएटिव चीज़ अगर बन पाए तो बच्चा सोच रहा है। अगर कोई अपना आइडिया देता है तो सारे शिक्षक उसको बेहतर सपोर्ट करते हैं। पहले तो 1-2 को लाइन से पंक्ति बदल लगा देते हैं। इसके बाद छुट्टी होने से पहले लास्ट घंटी में हम जैसे खेल मंत्री खेल बच्चों को खेल और कराते हैं तो हम उसमें भाग लेते हैं। विद्यालय के अंदर अभी अभी कभी धूप पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बारिश होती है, ऐसे में हम लोग सामूहिक जैसे कैरम बोर्ड हुआ, लूडो हुआ, ऐसे खेल होता है। ठंडा जब ठंडा मौसम आता है तो कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस कुछ सब खेल लेते हैं। पहले एक एक बच्चे थाली लेकर जमा हो जाते थे ट्यूबवेल पर, अब उसको लाइन लगा देते हैं बारी बारी से उसको थाली धुलवाते हैं, बिछावन बिछवाते हैं, बिछावन बिछा के खिलवाते हैं। और जब मध्याह्न भोजन की बारी आती है तो हमारे बाल संसद के सदस्य बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कामिल हो जाते हैं। टेबल लगा के प्लेट ले आना, प्लेट को रखवाना, उसके पहले प्लेट धोवा के रखा रहता है रसोइयों के द्वारा। बच्चे लाते हैं, एक एक बच्चे के हाथ में पंक्तिबद्ध बच्चे रहते हैं, एक एक बच्चे को हाथ में दिया जाता है। मध्याह्न भोजन बाल संसद का योगदान है, सारे बच्चे को पंक्तिबद्ध लाइन बिठा के उसको अच्छे अच्छे ढंग से खाना खिलाना। सही है, बहुत अच्छे से बनता है, सबका स्वाद भी ठीक रहता है। किसी में नमक कम है तो वह नमक मांग के बोलता है तो मध्याह्न भोजन मंत्री को, तो वो ला के देता है। सारे टीचर्स के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है और सारे टीचर्स भी हमें अच्छा बहुत मानते हैं। जब हम राष्ट्रगान कराते हैं तो बाल संसद के बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चों को पंक्तिबद्ध करना, रोड पर जाना, वहाँ सुरक्षात्मक दृष्टि से उसको पार कराना। जैसे इस बार इस विद्यालय को शिक्षा रत्न पुरस्कार मिला है तो वो हमारे वजह से नहीं बल्कि इस विद्यालय के बच्चे की अनुशासन की वजह से मिला है। अगर यहाँ के बच्चे अनुशासन नहीं रहते तो नहीं मिल पाता।